भारत के हिस्से में एक बड़ी कामयाबी आई है। तेल पर निर्भरता से निजात के लिए वैसे ही कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं और अब इन कोशिशों के बीच भारत को बड़ी कामयाबी तेल के नए खजाने के रूप में मिली है। पूरे खबर क्या है, पूरा मामला जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। तो गोदावरी बेसिन के काकीनाडा के तट से 30 किलोमीटर दूर पहला तेल निकाला गया। ये आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ी कामयाबी है और इसके उत्साह को देखते हुए केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने खुद इस बात की जानकारी देश को दी है। क्या कहा उन्होंने, पहले वो सुनिए। काकीनाडा से 30 किलोमीटर की दूरी पे कल हमने पहला ऑयल का सैंपल मिल गया है। वहाँ पे 24 वेल है, 24 या 26 वेल है, जिसमें से अभी हमने 4 ही वेल शुरू किया है और मुझे पूरा यकीन है कि मई तक इसमें से गैस भी आ जाएगी और मई जून तक हम दिन में 45,000 बैरल दिन में करेंगे। ये हमारा टोटल प्रोडक्शन 7% होगा। 26 तेल के कुएं की जानकारी है और इसमें से भी अभी 4 को शुरू किया गया है। तेल के साथ साथ गैस भी निकालने की तैयारी है और आने वाले कुछ महीनों में यानी मई जून तक 45,000 बैरल तेल उत्पादन की तैयारी है, जो कि एक बड़ी संख्या है और इससे भारत खुद पर से ओपेक के दबाव को भी कम कर पाएगा। इसकी कामयाबी कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा पीएम मोदी के उस बयान से भी लगता है जो उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर दी है। पीएम ने कहा कि ये भारत की ऊर्जा यात्रा में एक उल्लेखनीय कदम है जो आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारे मिशन को बढ़ावा देता है। इससे हमारी अर्थव्यवस्था को कई लाभ होंगे। यकीनन ये एक बड़ी कामयाबी है और इससे भारत को तेल और गैस के क्षेत्र में एक और ज्यादा आत्मनिर्भरता प्राप्त होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।